हाय गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू यूट्यूब वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पुर्तगाल की सैलरी के बारे में, जो 31 दिसंबर के बाद नया साल जो आया 1 जनवरी 2024 से सैलरी इंक्रीमेंट सभी की हुई है। पहले 760 यूरो थी, अब उसमें 60 यूरो बढ़ा के 820 यूरो कर दी गई है। लेकिन क्या वो 820 यूरो ही मिलती है, इससे कम ज़्यादा भी मिलती है। जो इंडियंस दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं, उसमें से रहने खाने का करके उसमें से मतलब काट पीट के, वो कई लोग तो मतलब अपने इंडियन लोग 500 यूरो 600 यूरो में भी रख ही रहे हैं। लेकिन जो पुर्तगाल में यहाँ की फैक्ट्रियाँ हैं उसमें सैलरी का क्या सिस्टम है। पुर्तगाल में फैक्ट्री में जॉब करता हूँ, इससे पहले मेरी सैलरी है जो 760 यूरो प्लस इसमें कुछ खाने का भी लाके मैं आपको बता ही देता हूँ, और साथ में स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा कि पहले सैलरी कितनी आती थी, अब बढ़ गया कितनी सैलरी मेरी आई है। आपको जो रियल इन्फॉर्मेशन है मैं आपको दूंगा, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो जर्मनी में, बेल्जियम, स्पेन, फ्रांस, आउट ऑफ पुर्तगाल में बैठे हुए हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स जो पुर्तगाल की लेने की सोच रहे हैं कि पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट्स मिल जाए। लेकिन बंदा अगर यहाँ पे काम करके डॉक्यूमेंट्स बनवा ले वो अच्छा है, लेकिन दूसरी कंट्री में बैठ के वहाँ पे पैसे अच्छे बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पैसे जो कम बन रहे हैं इस चक्कर में वो यहाँ पे आने की सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना इतना पैसा लगा के इतना इतना कर्ज लेके वो मूव होने की सोचते हैं जर्मनी में बैठ के, बेल्जियम, स्पेन, फ्रांस कहीं पर भी बैठ के मतलब वो सोच लेते हैं कि कर्ज उतार ले। कर्ज उतरने को पुर्तगाल में भी उतर जाता है, यहाँ पे भी बंदा अच्छे ढंग से अगर काम करे तो 1 लाख रुपए इंडिया में बेच सकता है खर्चा निकाल के। तो दोस्तों, मैं आपको पहले की सैलरी बताता हूँ और अब की सैलरी बताता हूँ कितनी मेरी आई है। पहले क्या था कि 760 यूरो का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जिसमें से 63 यूरो है जो नेपाल के हैं, 190 रुपये जो तुरनो है मेरी नाइट शिफ्ट लगती हैं उसके हो गए हैं, और 111 जो खाने के हैं, इसमें से 11% टैक्स निकाल के और आईआरएस के 9.30% निकाल के, यानी कि 111 और 88 यूरो निकाल के टोटल जो मेरी सैलरी बनती थी 1124 बनती थी, जिसमें से 199.47 यानी कि 200 यूरो लगा लो ये निकाल के 925 सैलरी है जो पहले 31 दिसंबर से पहले मेरी आ गई है। जो 31 दिसंबर का काम करके सैलरी इसकी जनवरी में 1-2 तारीख को अकाउंट में क्रेडिट हो गई है, ये सैलरी है जो इंक्रीमेंट से पहले की। इंक्रीमेंट के बाद की सैलरी जो आई है मेरी वो मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट भी मैं दोनों के पोस्ट कर दूँगा, पहले की सैलरी के और अब की सैलरी के। 820 यूरो का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जिसमें से 68 यूरो नेपाल के ऐड हो गए हैं। इसमें आप दोनों में डिफरेंस देख लेना कि कितना कितना क्या कुछ बढ़ा है। 205 यूरो है जो तुरनों के इंक्रीमेंट हुए हैं जो नाइट शिफ्ट लगती हैं, और 116 यूरो खाने के, जिसमें से आईआरएस 7.96 और 11% टैक्स निकाल के, टैक्स के 207 यूरो निकाल के 1209 सैलरी में से 207 निकाल के 1002 यूरो मेरी सैलरी आई है, जिसमें सैटरडे संडे की मेरी छुट्टी है, जिसमें सैटरडे लगा के 50 यूरो सैटरडे का होता है, और अगर और भी कोई सरकारी छुट्टी आ जाती है उसमें भी आपको काम पे बुलाया जाता है तो 50 यूरो उसके एक्स्ट्रा मिल ही जाते हैं। मंथ में 4 या 5 छुट्टियां लग जाती हैं, यानी कि 250 यूरो वो हो गए हैं, 250 मेरा खाने का खर्चा ही है। तो इसमें से जो एक्स्ट्रा ओवर टाइम लगता है शनिवार का लगा के 250 यूरो बन जाते हैं, वीक में मंथ में 4 शनिवार लगा के 250 यूरो लग जाते हैं, क्योंकि 1-2 छुट्टी बीच में आ भी जाती है। तो टोटल 250 यूरो है जो मेरा खाने का रहने का खर्चा है, जो सैलरी है 1002 यूरो, ये सारी की सारी बचत में है, ये सारी की सारी बंदा इंडिया भेज सकता है। और देखा जाए तो जर्मनी में भी बंदा अगर काम कर रहा है तो 1200-1300-1400 यूरो तक ही कमा सकता है बंदा उधर भी, मतलब नॉर्मली जो ठीक ठाक ही है। उसके बाद यहाँ पे भी 200 यूरो या 180 यूरो के हिसाब से टैक्स भरवाएगा, बात एक ही बढ़ जाती है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।